असल गाइज वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल मायने में सुल्तान हैदर कैसे हैं आप लोग गाइज़ हमारे जन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आईफोन में हमें बहुत बड़ी बैटरीज देखने को क्यों नहीं मिलती यानी एप्पल जो है वो अपने आई में बड़ी बैटरी इंस्टॉल क्यों नहीं करता जबकि ऑन द अदर हैंड एंड्रॉयड इंडस्ट्री में हम बहुत सारे ऐसे फोन देखते हैं यानी स्मॉल बजट से लेके बिग बजट तक कि वहाँ पर हमें बैटरीज के जो साइज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि जो बैटरी बैकअप टाइम वहाँ पे हमें मिलता है वो

उनके हिसाब से इनका जो बैटरी बैकअप टाइम बहुत कम है लेकिन विद द ऑफ टाइम जैसे जैसे एप्पल ने अपनी चिप्स को इम्प्रूव किया एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर्स को इम्प्रूव किया तो एप्पल का जो बैटरी बैकअप टाइम है अब वो रिलेटिवली बहुत बेहतर है लेकिन अगर हमने बड़े बजट में जाना है और अच्छे बैटरी बैकअप टाइम में खेलना है तो फिर उसके लिए हमारे पास एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें बड़े फ़ोनस के ऊपर लेकिन अगर हम पुराने फोन की बात करें तो वहाँ पर हमें इतना बैटरी बैकअप टाइम अच्छा नहीं मिलता क्योंकि तब जो आईफोन्स में हमें बैटरीज अवेलेबल थी वो इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी की उस तरह से नहीं थी यानी उस लिहाज से देखा जाए उस दौर की नस्बत से देखा जाए तो वो बहुत बेहतर थी लेकिन अगर उनको आज हम यूटिलाइज करें तो हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब पैनिक क्रिएट करती हैं तो ये एक मेन रीज़न है बहुत सारी रीजन में से कि आज बहुत सारे लोग जो आईफोन यूज करते हैं तो सब लोगों की एक्सेस में आईफोन 11 या आईफोन 10s जैसे अच्छे मॉडल नहीं आते बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं वो आईफोन 6, 6s और जो 7 है ये सीरीज यूज करते हैं सो यहाँ पे हमें इतना अच्छा बैटरी बैकअप टाइम देखने को नहीं मिलता एज़ कंपेयर अगर आप उतने ही बजट में कोई रिसेंटली लॉन्च किया हुआ एंड्रॉयड फोन लेते हैं किसी भी कंपनी का तो वहां पे आपको तीन तीन हजार चार चार हजार एम एच तक बैटरी का साइज देखने को मिलता है लेकिन यहां पे एक बात आप अपने जहन में यह भी रखें कि आपको पता है कि जितने भी ये वाले मॉडल्स हैं जहां पे हमें तीन या चार हजार की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है तो वहां पे उन फोन के जो फीचर्स होते हैं वो उतने ज्यादा हाई जो उनके अंदर जो कंजप्शन होती है बैटरी की वो उस तरह से नहीं होती यानी उनका कैमरा इतना पावरफुल नहीं होता उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो जिस तरीके से बैटरी कंज्यूम नहीं करते जिस तरीके से आईफोन्स में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं लेकिन एप्पल अपने इस चीज़ को किस तरीके से इंप्रूव कर रहा है सबसे पहली बात तो यह कि एप्पल अपने आईफोन्स में बैटरीज बड़ी क्यों नहीं देता तो एप्पल बेसिकली साइज़ पे ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी पे बिलीव रखता है एप्पल हर साल अपने आईफ़ोन्स में जो चिप इंप्रूव करता है यानी आपको पता है कि पिछले सालों में जो हमारे डिफरेंट आईफोन्स में हमें चिप्स देखने को मिल रही हैं जैसे इस साल हमें ए चिप देखने को मिलेगी तो ए फिफ्टीन नैनोमीटर जो चिप है वो काफ़ी ज़्यादा एफ़िशेंट होगी यानी हर साल जो चिप की एफिशंसी है एप्पल उन पर बिलीव रखता है यानी एप्पल समझता है कि बैटरी का साइज बढ़ाने से बेहतर है कि आप उसकी कंजम्पशन को इतना ज्यादा एफिशिएंट कर लें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है आपका जो हार्डवेयर है वो आपकी बैटरी को इतना कम कंज्यूम करे इतने अच्छे तरीके से उसको कंज्यूम करे कि बैटरी का जो बैकअप टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा दूसरी रीजन एक ये भी है कि एप्पल के जो फोन है एप्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कोशिश करे कि इसको थिन thin से थिनर की तरफ लेके जाए यानी आपको पता है मार्केट में एप्पल के जितने भी फोन हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लीक बहुत ज्यादा स्लिम और एक बड़ा स्लीक डिजाइन आपको देखने को मिलता है सो so, अगर आप उसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एप्पल एप्पल अपनी अपनी बैटरी का साइज बड़ा करता है है तो तो उसके लिए या तो को अपनी वो जो फोन की थिननेस उसको सेक्रिफाइस करना पड़ेगा या फिर एप्पल को अपने कुछ डिजाइन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि उसमें बिगर बैटरी जो है वो एडजस्ट की जा सके उसमें इंस्टॉल की जा सके लेकिन एप्पल अपनी इस चीज को इस तरीके से इंप्रूव कर लेता है कि कुछ तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करता है जिसकी वजह से उसकी जो बैटरी होती है वो ज़्यादा अच्छा बैकअप अच्छा टाइम देती है और कुछ अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की मदद से वो उसको इतना यूज़ करवाता है कि आपको कम एमएच साइज में भी आपको बेटर जो बैटरी बैकअप अच्छा टाइम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी वो लोग जो पुराने मॉडल यूज कर रहे हैं वहां पर उनकी जो एक रीजन है उनकी जो शिकायत है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि उनको अच्छा बैटरी बैकअप टाइम नहीं मिलता लेकिन रिसेंटली आपको पता है जितनी भी आईफोन रिलीज हुए हैं उसमें आई फोन टवेल्व प्रो मैक्स की अगर बैटरी देख ली जाए या आई फोन इलेवन प्रो मैक्स आई फोन इलेवन प्रो मैक्स बेसिकली इस वक्त मार्केट में वो मॉडल है जिसकी बैटरी साइज़ सबसे ज्यादा है एम में यानी इसका जो बैटरी साइज़ है वो तकरीबन फोर थाउजेंड है जो कि मार्केट में अवेलेबल किसी भी दूसरे आईफोन का नहीं है इवन कि आईफोन फोन प्रो मैक्स का जो बैटरी साइज़ है वो भी इससे कम है तो यहाँ पे आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि iPhone 11 इलेवन प्रो मैक्स से ट्वेल्व प्रो मैक्स में एप्पल ने बैटरी साइज को क्यों कम कर दिया तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि आई फोन ट्वेल्व प्रो मैक्स की जो चिप है वो आई फोन इलेवन प्रो मैक्स की चिप से ज्यादा एडवांस है ज्यादा एफिशेंट है और वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी अपग्रेडेड देखने को मिलता है यानी आई 14 जो आई 13 की नस्बत ज़्यादा इंप्रूव था नो no डाउट आप आई 13 जो है वो आई 11 इलेवन प्रो मैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं बट आपको जो चिप है वो आई

करते हैं और हमें वो थोड़ी सी अकोमोडेशन मिल जाती है कि हम उसमें बैटरी को बढ़ा सकते हैं तो फिर वो उसको बढ़ाएगा अदरवाइज वो चाहता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को और अपनी चिप को और अपने हार्डवेयर को, को इतना एफिशिएंट कर ले कि उसकी जो बैटरी है उसको ज्यादा इंस्टॉल ना करनी पड़े तो ये बेसिकली कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से एप्पल जो है वो अपने आईफोन में बड़ी बैटरीज को इंस्टॉल करने के खिलाफ है लेकिन आ, आने वाले सालों में यानी आईफोन फोन में मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोज बना चुका हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि आई फोन में आपको बड़ी बैटरी यानी थर्टीन प्रो और थर्टीन प्रो मैक्स के जो मॉडल हैं वहां पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी सुनने में आ रहा है लीक्स ये हैं कि टू मैक्म फोर्टी फाइव हंड्रेड तक हमें जो आ, 45 mAh तक हमें बैटरी देखने को मिलेगी उसकी एक रीजन ये भी है कि आईफोन थर्टीन की जो सीरीज है यानी प्रो प्रो और मैक्स में स्पेशली हमें 120Hz, प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है तो उस वजह से एपल आ, ना सिर्फ चिप पे डिपेंड करेगा अपने आप को बल्कि बैटरी के जो साइज है उसको भी इंप्रूव करेगा इस साल सो so, इसके तो मल्टीप्लाई करती है हार्डवेयर पर अपने आईओ के ऊपर अपनी चिप के ऊपर बट नो डाउट हमें एंड्रॉयड साइड पर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिलते हैं जिनका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो एप्पल के आईफोन के बैटरी बैकअप टाइम से बहुत ज्यादा बेहतर है अब यहां पर लंबी बहस है कि मैं इसको जस्टिफाई करूं कि एप्पल का जो बैटरी बैकअप

सकते हैं उसमें आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा लेकिन फिर उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पड़ेगा तो सारी जो अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं एक अच्छा पावरफुल कैमरा मिलता है आपको जो एप्लीकेशन का यूजेज है आपको उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डिफरेंट मिलता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड मोबाइल तो ये सारी चीजें जब आप अपने सामने रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी

Peace.